व्लॉग। तो गाइस आज पूरी में हम लोग का दूसरा दिन है और हम लोग आ चुके हैं, इवनिंग का टाइम है और शाम को गोल्डन बीच पे आ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या आप खा सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो भी फूड है वो आपका भाई यहाँ ट्राई करेगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा। शाम को मार्केट भी लगता है, वो भी दिखाएंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो चलिए गाइस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड टेस्ट करते हैं। गाइस उड़ीसा का डिफरेंट डिफरेंट फूड का सबसे पहला शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पानी पूरी के साथ में। तो चलिए गाइस पानी पूरी टेस्ट करते हैं। भैया पानी पूरी खिलाइएगा। ये वाला पत्तल हम लोग के घर तरफ भी मिलता था बहुत पहले, अब नहीं मिलता। नहीं अब नहीं, प्लास्टिक कम देखने को मिलता है पूजा उजा में कभी कभार। क्या गुपचुप गुपचुप वाला नहीं रखते। और गाइस स्टेट के हिसाब से देखते हैं क्या क्वालिटी आता है और क्या डिफरेंट आता है। उसका भी बहुत मजा आता है गाइस। डिफरेंट स्टेट का कोई भी फूड होता है तो थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है, थोड़ा उस स्टेट का टेस्ट आ जाता है। टेस्ट काफी अच्छा है गाइस। और अंकल थोड़ा तीखा ज्यादा कर दिया है। तो गाइस गुपचुप खाने के बाद हम लोग को यहाँ पे हवा मिठाई बेचने वाले भैया मिल गए हैं जिसको ये बूढ़ी का बाल भी बोला जाता है। तो चलिए ये चेक करते हैं क्या भैया। और गाइस जैसा कि बता चुके थे गुपचुप काफी तीखा भी था, तो उसके बाद ये टेस्ट करते हैं। समुंदर का हवा खाते खाते चलिए खाते हैं हवा मिठाई यहाँ पे गाइस। हवा लगने के बाद थोड़ा टाइट हो गया है। और गाइस खाने के बाद मुंह लाल हो जाता है, इसका लगता है पान खा लिया। गाइस फूड खाते खाते एक भैया शंख बेच रहे थे गाइस यहाँ पे और काफी खूबसूरत लग रहा था। और दीदी बोली से शंख लाने के लिए, तो गाइस ले तो लिए हैं लेकिन बजाने का टेक्निक बताए हैं, लाइफ में कभी बजाए नहीं तो देखे ट्राई करते बतला कि नहीं। थोड़ा सा बजा ला। देखिए गाइस पीछे अंकल कुछ बेच रहे हैं इस कंधा पे लेके, तो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या आखिर। समोसा 10 का कितना? 10 का 20 का 4 गो। अच्छा 20 का 4 गो, 10 का नहीं दे सकते हैं। ये 20 का 4 पीस चलिए लेते हैं। और काफी छोटा छोटा समोसा है गाइस। रसगुल्ला ये कितने का? 10 रुपए करके एक गो। 10 का एक पीस। और कुछ है? छेना गोजा 10 का एक गो। ये भी 10 का एक। और कुछ है? गोला जामुन 20 का 3। अच्छा चलो। तो गाइस देखिए हम लोग 4 समोसा लिए जो कि काफी छोटा छोटा है, पहली बार इतना छोटा समोसा खा रहे। टेस्ट देखते हैं कैसा है गाइस। टेस्ट नॉर्मल बोल सकते हैं गाइस, अच्छा ही है और गर्मा गर्म है, वो सबसे अच्छा बात है। मिठाई में क्या देगा? ये छेना वाला मिठाई है, चलिए टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा है। इसका भी टेस्ट सही है गाइस। और गर्मा गर्म समोसा यही मिला और हम लोग एक दूसरे का देखे हुए थे तो ठंडा था, दोबारा से ठंडा पड़ रहा था। अब इसका क्या स्थिति है पता नहीं। भाई शाम होने वाला, चलिए कोई और फूड ढूंढते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखिए गाइस पापड़ बेच रहे भैया, तो पापड़ मिल गया हम लोग को जो कि 20 रुपए में 3 पापड़ दे रहे हैं मसाला वसाला के साथ में। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट लग रहा है। टेस्ट काफी अच्छा है गाइस। इसका मसाला का जो फ्लेवर है ना वो काफी अच्छा लग रहा है। तो और मसाला डालेंगे तीनों में ले लो। पापड़ सच में अच्छा लग रहा है नहीं? मसाला जो भी खाना खाए ना डाइजेस्ट कर देगा। अच्छा
तो गाइस देखिए अभिषेक लेग पीस बनवा रहा है यहाँ पे। पता नहीं मुर्गा का बोल के क्या चीज चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। मजा नहीं इतना बड़ा मुर्गा का लेग पीस है। आज ही काट लूं मुर्गा खाएंगे ना भाई। फ्रेंड यहाँ पे एक देखिए स्वीट कॉर्न का यहाँ पे दुकान मिला है, तो चलिए यही टेस्ट करते हैं। फर्स्ट में कितना रुपए का बना रहे हैं? 20 का। ये देखिए गाइस बॉईल हो रहा है इसमें, सब डाल दिया। बॉईल किया हुआ क्या? बॉईल किया हुआ है। और देखिए सबका नमक मिर्चा लगा के काफी सब अच्छा से चीज गया, मीठा लग रहा है। हाँ। का मकान लग गया क्या? मीठा ज्यादा लग रहा है। हाँ जी। अरे ये सब क्या है? ये सब अच्छा इसके साथ। तो फ्रेंड हम लोग स्वीट कॉर्न खाने के बाद यहाँ पे पाव भाजी खाने के लिए आ गए गाइस। तो ये भैया पाव भाजी यहाँ पे बना रहे हैं, और ये ढाकाई पूरी है जो हम पहली बार सुन रहे गाइस, जब तक अभी सुने नहीं है। वो ढाकाई पूरी और गाइस उसके साथ भी है कुछ उसी, इसके साथ क्या खिलाते भैया? चाट। अच्छा चाट मंगवाना ना। ये ढाकाई पूरी समझो तो हम लोग का छोला भटूरा के जैसा समथिंग। छोला भटूरा ही है एक तरह का क्या? हाँ हाँ। तो गाइस फाइनली हम लोग का ये आ चुका है पाव भाजी, तो चलिए ये टेस्ट करते हैं हम लोग। दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है गाइस, और खुशबू भी काफी अच्छा आ रहा है, काफी अच्छा टेस्ट लग रहा है। लेकिन प्लेस के हिसाब से उनका टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जगह के हिसाब से क्या? सब जगह का बनाने का तरीका लग रहा था थोड़ा मोड़ा। कैसा टेस्ट लग रहा भाई? टेस्ट काफी अच्छा है बोलना था। तो फ्रेंड देखिए हम लोग का यहाँ झालमुड़ी तैयार हो रहा है गाइस, और काफी मटेरियल है गाइस जो इसमें डाला जाता है। यहाँ चना है देखिए, आलू टमाटर, यहाँ अनियन है, यहाँ नारियल का कस किया हुआ नहीं अभिषेक, और खीरा धनिया पत्ता गोविंदा सर। अरे रे बाबा ले जाओ दे जाओ। फाइनली हम लोग का झालमुड़ी आ चुका है गाइस बन के। कैसा लग रहा? चलो समुद्र में बैठ के खाते हैं क्या, मजा लेते हैं इसका। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग बीच का लगभग फूड टेस्ट कर चुके हैं जो भी वेज फूड था, और अभी से एक दो नॉनवेज ट्राई किया गाइस। और गाइस फाइनली आज का वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, और इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं हो सकता कि समुद्र के किनारे और लहर शाम को काफी मतलब कि बढ़ चुका है गाइस। हम लोग सामने वहां पे बैठे हुए थे, और देखिए अभी वहां पे लहर है जो कि बार बार आ रहा है। तो गाइस चलिए यहीं पे एंड करेंगे आज का वीडियो को समुद्र का हवा खाते खाते। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उड़ीसा एक और विजिट जरूर करें गाइस। तो चलिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।